आज हम लोग वेलनेस का एनिमल हेल्थ एक साइट शैम्पू यूज़ करेंगे जिसकी कीमत है 220 रुपीज़। ये आपको किसी भी वेट शॉप में मिल जाएगा और इससे काफ़ी अच्छा रहता है टिक्स वाले प्रॉब्लम जो भी आते हैं डॉग्स में, और काफ़ी स्मूथ कोटिंग स्पेशली जर्मन शेफर्ड में मेंटेन करने के लिए शैम्पू का यूज़ किया जाता है। आइए फ्रेंड, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको नहलाने के प्रोसेस को, कैसे हम लोग जर्मन शेफर्ड को नहला सकते हैं। पहले हम लोग पानी से पूरी तरह से इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि इसका फर फूल जाए अच्छे से, तभी शैम्पू वर्क करेगा। फेस एरिया को बचा के करेंगे, ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है फेस एरिया पे, जैसे इरिटेशन हो उसको नोज पे ज़्यादा नहीं करना है, ईयर्स पे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ गर्दन पे करना है। पहले इस सोप का इस्तेमाल करेंगे ताकि ऊपर से जो गंदगी है वो पहले निकल जाए, उसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे। ये किसी भी वेट शॉप पर आपको मिल जाएगा, इसकी कीमत 30 रुपीज़। ये अच्छे से रख पाएंगे जो भी ऊपर का जो गंदगी है वो निकल जाए, ताकि हमारा शैम्पू अच्छा बने। ये गर्दन ऊपर करके अच्छे से पूरे गर्दन में लगा दें, ताकि किसी भी टाइप की इंचिंग प्रॉब्लम हो अगर वो ठीक हो सके। अच्छे से लगाएंगे ताकि कोई भी टिक्स वगैरह हो वो निकल सके। में नहीं होगा सब जगह, इसको इवेनली हम लोग मिक्स करेंगे।
नहीं, कुछ ऐसा शाइन आ जाता है कम जैकी।